हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सीमा और किचकुक में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मेयोनीज सैंडविच। मेयोनीज सैंडविच बहुत ही क्रीमी और झटपट बन जाने वाला है स्नैक्स है, झटपट फटाफट सुबह का नाश्ता में बना सकते हो और बच्चों के टिफ़िन में, लंच बॉक्स में आप दे सकते हो। आप बड़ों के भी लंच बॉक्स में और टिफ़िन में दे सकते हो। इसे ज़रूर घर पे बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। इसीलिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच मेयोनीज। आप कोई भी ब्रांड का, कोई भी टेस्ट का, कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसे 2 ब्रेड स्लाइस के हिसाब से लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने एक यहाँ पे बड़ा चम्मच स्वीट कॉर्न लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने टमाटर छोटे छोटे टुकड़े में काट के ले लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने शिमला मिर्च मैंने ले लिए हैं, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है मैंने, 1 बड़ा चम्मच प्याज ले लिया है मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, 1 बड़ा चम्मच गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ ककड़ी ले ली है छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। अब हम इसे बोल में मिक्स कर देंगे। देखिए, ये बच्चे भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है ये करना। बस हमें इसे सब कुछ एक साथ मिक्स कर देना है। ये मैंने टमाटर भी डाल दिए, ये मेरी बेटी ने प्याज भी डाल दिया और फिर गाजर, ककड़ी और शिमला मिर्च भी डाल दिया। देखो, ये मस्ती कर रही है, इसे खेलना अच्छा लगता है इसके साथ, सब्जियों के साथ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा सब्जियां कर सकते हैं, आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं। मेरे पास मटर नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। मैंने 1/4 ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी सॉल्ट, आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। आपको तीखा चाहिए तो आप इसमें ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली ऐड नहीं की है क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था, उसे तीखा पसंद नहीं है, इसलिए बच्चे हमेशा तीखा नहीं खाते हैं, इसलिए मैं नहीं डाला है। देखिए, ये खेल रही है, अब इस खेलना बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। अब हम इसे मेयोनीज डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मेयोनीज आप घर पे भी बना सकते हैं। आपको घर पे बनाना हो तो मुझे कमेंट करके देखिए बताइएगा, मैंने ये घर पे बनाया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने अभी से। अब हम इसे ब्रेड में स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। मैंने ये 2 ब्रेड स्लाइसेस का मिक्स बनाया है, आप कम ज़्यादा भी बना सकते हैं। इसके लिए अच्छी तरह से हमने दोनों ब्रेड पर स्प्रेड कर दिया है। इसे अच्छा स्प्रेड करने के बाद हम इसे 2 ब्रेड स्लाइस रख देंगे ऊपर, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे इसलिए वो चिपक जाए दोनों को में। अच्छी तरह से बटर लगा देंगे दोनों में, बटर के ऊपर, ब्रेड के ऊपर की साइड से बटर लगा देंगे हम अच्छी तरह से। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, बच्चों को घी भी अच्छा, सेहत के लिए अच्छा रहता है बच्चों का। अब हम बटर वाली साइड को पहले सेक लेंगे। आप चाहे तो इसे कोई भी ऐसे ढक के प्रेस करके भी बना सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसे कोई भारी चीज़ से रख के, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है, वो ग्रिल सैंडविच जैसा टेस्ट आता है इसमें। इसमें अब मैंने ऊपर की साइड अब बटर लगा दिया है। अब हम इसे ट्विस्ट करके नीचे ऊपर की साइड भी सेक लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया सेक चुकी है ये। मैंने थोड़ी ज़्यादा से की है क्योंकि मेरे घर में ऐसे ही टेस्ट अच्छा लगता है सबको, इसलिए मैंने अच्छी तरह सेक लिया। आप ऐसे स्पैचुला की मदद से भी ऐसे प्रेस करके भी सेक सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको सेक लीजिएगा दोनों साइड से। अब ये नीचे की ओर से भी सेक चुकी है। अब हम इसे ले लेंगे और दूसरी ब्रेड भी हम इस तरह से सेक लेंगे। अब मैंने दूसरी ब्रेड भी ऐसे सेकने रख दिया है। अब इसे हम कट कर देंगे। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप में कट किया है, 1 ब्रेड को मैंने ट्रायंगल शेप में कट कर दिया है और तीसरी ब्रेड को मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया लगती है टेस्ट में, मैंने काट लिया है। ये देखो बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में ज़रूर भेज दीजिएगा, वो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। और इसमें वेजिटेबल भी आ जाता है तो बच्चों के लोग हम ऐसे ही खिला सकते हैं बच्चों को। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में कमेंट करना मत भूलिएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो का।
आपने सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, इससे मेरी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू।